फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हितेश कुमार एच के। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपको भिलाई का खूबसूरत दुर्गा पंडाल। तो अभी है दोस्तों सेक्टर 1 के तार घर में, जहां पर बहुत ही खूबसूरत दुर्गा पंडाल बनाया गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस दुर्गा पंडाल में, और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो अभी हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 1 भिलाई, और यहाँ पर बहुत ही भव्य दुर्गा जी का पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, और आप माहौल देखते हुए चलिए, और चलिए आपको लेकर चलते हैं इस दुर्गा जी के पंडाल में। और यहाँ का बहुत सुंदर यार, बड़ा बड़ा झूला लगा हुआ है और चौपाटी वगैरह यहाँ पर बहुत ही सुंदर। आप देखोगे तो पूरा माहौल ही यहाँ पर बदल जाएगा। वो इस तरह का इसका एंट्री गेट बना हुआ है, और चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। और इस तरह का आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा आकाश झूला यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारा झूला लगा हुआ है दोस्तों। और चौपाटी भी आप देख सकते हो, बहुत ही एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मार्केट यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर आते हो तो आप फुल एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हो दोस्तों। इस नवरात्रि अगर आप कहीं भी जाते हो तो सावधानी से आइए, और किसी भी तरह का लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र का ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस अभी किसी भी तरह से सेफ नहीं है। तो अपने तरफ से आप फुल सावधानी रखिए, और हम आपको घर बैठे दिखला रहे हैं सेक्टर 1 तार घर भिलाई में किस तरह का अभी दुर्गा पंडाल बनाया गया है। तो आज फर्स्ट दिन है, इसलिए थोड़ा सा माहौल आज ठंडा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा यहाँ पर और भी आपको रौनक देखने को मिलेगा। और चलिए हम दुर्गा पंडाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये मान सकते हो दोस्तों 500 से 1000 मीटर के आसपास आपको पैदल चलते हुए यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। इस पंडाल के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा है, और अभी भी इस दुर्गा पंडाल में पूरी तरह से तैयारी चल रहा है। और इस तरह के आप माहौल में आते हो तो आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगा, और अच्छा भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा पब्लिक रहेगा तो अभी कोरोना की वजह से उतना ज़्यादा खतरा रहेगा। खाली टाइम में आइए, और मास्क सैनिटाइज़र का अच्छे से यूज कीजिए। और यहाँ पर इस तरह का लोगों को लाइन से जाने के लिए लोहे का इस तरह का एक ग्रिल बनाया जा रहा है, जिसमें लाइन से इस दुर्गा पंडाल में लोग जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दुर्गा जी का पंडाल बना हुआ है, और अगर आपको इस पंडाल को देखकर कुछ आइडिया लग रहा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि एक बार यहाँ पर विक्टोरिया पैलेस के ऊपर यहाँ पर दुर्गा पंडाल बना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर पंडाल का कुछ न कुछ मकसद होता है। जस्ट इसका एंट्री गेट है, और चलिए चलते हैं। जैसा कि नीला पंडाल है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा मैं पहुंच चुका हूं इस दुर्गा पंडाल में। जस्ट इस तरफ इसका एंट्री है, और जस्ट सामने आप मूर्ति देख सकते हो, और इस तरफ है इसका एग्जिट गेट। और चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं, और देवी दुर्गा का मैं आपको दर्शन कराता हूं। काफ़ी प्यारा मूर्ति है, और पूरा यार अंदर का माहौल ही बदल जाता है जब यहां पर आप प्रवेश करते हो। तो दूर से जितना खूबसूरत यह पंडाल दिखाई दे रहे हैं, उतना ही खूबसूरत अंदर का भी माहौल है। सेक्टर 1 के दुर्गा पंडाल में आप माहौल देख सकते हो किस तरह का है, और अभी भी सजावट का काम चल रहा है। अब जब आओगे तो यह पंडाल आपको पूरी तरह से सजा मिलेगा। अभी जहाँ पर दुर्गा देवी का मूर्ति स्थापित है उस तो जगह में भी सजावट का काम चल रहा है। Oh
दुर्गा पंडाल से मैं आ चुका हूँ और बाहर से आपको इस दुर्गा पंडाल को दिखला रहा हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, देख सकते हो। और इस तरफ से एंट्री किया और इस तरफ से एग्जिट है, और उसके बाद इधर आप यहाँ पर आने के बाद पूरा मार्केट एरिया है, पूरा मार्केट एरिया आप घूम सकते हो। तो चलिए आपको पहले मार्केट वगैरह दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी जो सेक्टर 1 का जो दुर्गा पंडाल है वहाँ पर दर्शन करके तो आ गया हूँ, और यहाँ पर जो दुकानें वगैरह लगे हुए हैं, जो झूला वगैरह लगे हुए हैं, वो अभी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारा दुकान अभी खुलना बाकी है, लेकिन अधिकतर दुकान यहाँ पर ओपन है। दोस्तों, अगर आप आते हो तो एक दो दिन में आपको फुल इन्जॉय करने को मिलेगा। और अभी भी देख सकते हो झूला वगैरह चालू हो गया है, लोग इन्जॉय वगैरह कर रहे हैं। और इस तरह के पूरा जो छोटे छोटे ठेले वगैरह हैं वो सब ओपन हो चुके हैं, खाने पीने के सब सामान यहाँ पर अवेलेबल। और जो झूले वगैरह के शौकीन वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर यहाँ पर बड़े बड़े झूले वगैरह भी अवेलेबल है दोस्तों। और जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी बहुत सारा खाने पीने का चीज़ यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं पूरी तरह से घूम चुका हूँ इस दुर्गा पंडाल को, और यहाँ के जो झूले वगैरह है, छोटे छोटे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, उसको सभी को मैं देख लिया। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप भी यहाँ पर आ सकते हो इस नवरात्रि इस दुर्गा पंडाल को देखने के लिए। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।